बनाकर मिट्टी के दिए कुछ तो आस हमने भी पाली है। मेरी मिट्टी के दिए खरीद लो बाबू, मेरे भी घर पर दीपावली है। दीपावली आते ही कुम्हार के मन में नई उमंग जाग जाती है, जो कि दूसरों के घरों को रोशन करने के लिए रात दिन खूब परिश्रम करते हैं और मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचते हैं। हमने कुछ कुम्हारों से मिले और जानने की इस दीपावली में क्या अपेक्षा किया है। दीपावली पर्व पर होने वाली लक्ष्मी व गणेश पूजा को लेकर कलाकारों द्वारा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति में रंग भरा जा रहा है। साथ ही दीपोत्सव के पर्व पर मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा को लेकर कुंभकारों द्वारा काफ़ी मात्रा में मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। पसीने से लथपथ कुंभकार मिट्टी के दिए बनाने के साथ दीपावली पर लड़कियों द्वारा किए जाने वाले घर कुड़ा पूजा को लेकर मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। दीपावली पर मिट्टी का खिलौना एवं दिए की मांग को लेकर कुंभकार रात दिन इस कार्य में जुटे हुए हैं। धनबाद शहर के NS लोदना कुम्हार पट्टी एवं मन इटाड कुम्हार पट्टी में लक्ष्मी व गणेश प्रतिमा में रंग भर रहे हैं। कलाकार संजय कुमार ने बताया कि अब मेहनत के अनुसार मूर्ति का कीमत नहीं मिलती है। कुम्हार रामदयाल प्रजापति ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 7 माह से कोई रोजगार नहीं था। हम सभी मिट्टी के दिए, कुल्हड़, कलश, मिट्टी के खिलौने, गमले इत्यादि बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद सारा धंधा बंद हो गया था। अब धीरे धीरे बाजारों से मांग आनी शुरू हो गई है और अपेक्षा करूंगा कि इस दीपावली में लोग हमारे मिट्टी से बने दिए को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। सरकार हम कुम्हारों को कोई भी सहायता नहीं दिए है। कुम्हार शिवानंद पांडे ने बताया कि कोरोना काल में सरकार द्वारा जया चावल से जैसे तैसे समय पार हुआ। इस दीपावली से बहुत आस है, ऑर्डर तो अच्छा मिला है, धन्यवाद। गोविंदपुर से काम मिला है, लेकिन इससे सिर्फ पेट ही भर सकता है, बच्चों का भविष्य नहीं। ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। किस उम्मीद से ये ज्यादा बन रहा है? आप नीचे बैठिए सदर भाई। किस उम्मीद से ज्यादा बन रहा है? इस बार मोदी सरकार ऐलान किए हैं कि भाई चाइना सामान हटाया जाए, आज मिट्टी का दिया जलाया जाए, जिसके वजह से कुछ बिक्री में परिवर्तन हुआ है। कोरोना असर दिख रहा है? असर दिख रहा है, पहले के बनिस्बत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। कोरोना काल को लेकर मतलब कैसे चलता था आपका घर? ऐसा ही मोटा मोटी चलते रहता था, जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी चल रहा है, कोई रेट में कोई फर्क नहीं है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि देसी दियों से दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। मनाया जाएगा। हाँ। कितने वर्ष से आप ये काम? रेट में कोई बढ़तोड़ी होता तो हम लोग को कोई फायदा बुझाता। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम 90 से कर रहे हैं। 30 साल से? 1990 से ये काम कर रहे हैं। लगभग 30 साल से कर रहे हैं। पहले का दौर अभी का दौर में दियों के मामले में कितना फर्क था? पहले भी दिया बहुत ज्यादा बनता था, आज से कम 15 साल पहले। अब तो खैर बीच में एकदम पूरे कम गया था, लेकिन इन साल कुछ फर्क पड़ा है। यहाँ पर हम लोग 10-11 घर थे, सारे घर में दिया बनता था। और अब तो 2-3 घर बच गया, कोई बनाने वाला नहीं रह गया, काहे कि लुक खत्म होते जा रहा है। तो सब लोग अब दूसरा पेशा में जितना भी जैसे हमारा है, हम है, हमारा बाल बच्चा, नया पीढ़ी का लड़का लोग काम नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें दिन भर खट्टा पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक बाले बच्चे सबको लगना है। ठीक है, पैसा कितना होगा उतना ही होगा, मतलब पेट चलाओ खाली है, आगे बढ़ने की कोई अथी नहीं है। सरकार की ओर से पिछले बार योजना लाई गई थी? सरकार की ओर से कुछ हम लोग का योजना है, कोई फायदा नहीं, कोई तरह का इनकम नहीं आता है कि मनो ये चीज़ का छूट दिया जा रहा, मिट्टी का हो या तो कोयला का हो, बिचाले का हो या बिजली का हो, कोई ऐसा नहीं। कह सकते हैं कि इस बार आपके घर भी दिवाली मनेगी? हाँ, दिवाली तो सबके घर मनता है। और इस वर्ष दियों का बाजार अच्छा दिख रहा है। हाँ। तो आपके वर्ष भी इस बार खुशहाली की दिवाली होगी। हाँ, खुश कर आने के लिए। अब मट्टी में 2000 रुपये ट्रैक्टर लगता है, पहले कितना लगता था? पहले तो बगल में था, लाइन के किनारे में था, हम लोग ढो लेते थे माथा से जो भी लगे हाजिरी में, चार गो लड़का आदमी रख लेंगे, चार गो लेबर रख लेंगे, अपना काम कर लेते थे, ना हुआ तो अपने भी कर ढो लिए, चार टोकरी लाए काम कर लेते थे। अभी चार टोकरी की बात है नहीं,
अभी तो महंगाई इतना बढ़ गया है, आगे साल लाया तो 1500 रुपया भी हो गया, 2000 रुपये ट्रक का। का नाम है? नाम रामदयाल प्रजापति। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।